नमस्कार जी, यहाँ पे खड़े हो जाइए प्लीज। There we go. What's your name? मान्या। इतना प्यारा नाम है, कहाँ की हो आप? लखनऊ। What's your age? 5। Wow, 5 साल की, इतनी बड़ी। क्या गाने वाली हो आज? May I make a request? इतनी सी हंसी। गाना आता है आपको? गा देंगी जरा सा हमारे लिए? गाइए। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाबो के दिन को से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाबो के दिन को से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हले हले जिंदगी, होठों पे गुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल, गुपचुप तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले, आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। मान्या, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, हम लोग तीन अब बात कर रहे थे ना, जब आप गा रहे तो बहुत रूड होता है, जब कोई गाता है तो बात करना बहुत गलत बात होती है, लेकिन हमें कोई चारा नहीं था। आप इतना अच्छा गाती हो और सिर्फ 5 साल की हो, तो हम लोग सब चौंक गए कि इतना अच्छा 5 साल में कोई कैसे गा सकता है। समझ रहे हो आप? आप समझ रहे हो ना? म्यूजिक सीखती हो? म्यूजिक सीख रही हो? कितने साल से? 3-4 days. कम ही हो, आप यहाँ हो, अनबिलीवेबल। आपको अभी क्या होने वाला है ना, ये जो आंटी है ना येलो में, वो आपको एक येलो चीज देने वाली है, और वो येलो चीज क्या है पता है आपको? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? छोड़ दो। चाहिए? अच्छी चाहिए? Yours well done. Come on, Mannya. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। मेरा नाम साक्षी होलकर है, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरी एज 14 इयर्स है, और मुझे आप तीनों बहुत अच्छे लगते हो। बस और कुछ बताइए ना आपके बारे में। मतलब जैसे मुझसे अभी बहुत लोग पूछ रहे थे, अगर आप सिंगर नहीं बन पाई तो आप क्या बनोगे, क्या बनोगे? अगर मैं सिंगर नहीं बन पाई तो मैं एंकर बनना पसंद करूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगिंग की फील्ड से हमेशा जुड़ी रहूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एंकरिंग करूँ, तो जैसे कि अब आशा जी जैसे इधर बाहर मुझे मिली जी, हाँ। तो उनको अब जैसे वो बाहर खड़ी है भलाई, लेकिन उनको सारे गाने सुनने को मिल रहे लेकिन उनको सारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, और वो आपके साथ भी रह रही, मतलब एक ऐसा हो जाता है ना कि जी जी। आप बात तो कनेक्शन है एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कनेक्शन, तो इसलिए मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री भी बन सकती है। आपको कैसे पता? मुझे सब पता हो बताइए। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी इच्छा थी कि मैं जज बनूं। अच्छा, बट एक्चुअली हुआ क्या कि पढ़ाई भी उस हिसाब से करनी पड़ती है। हाँ, जज बनने के लिए पढ़ाई तो करनी, हाँ, वही प्रधानमंत्री तो, के लिए नहीं लेकिन जज के लिए तो करनी पड़ती है। हाँ, मतलब फिर मैंने सोचा इंडियन आइडल जूनियर्स में जाऊंगी। ये हुई ना बात, अब आ गई आप यहाँ पे, और कुछ बोलना है? नहीं, मैं बहुत बोलती हूँ, सब लोग बाहर भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? कुछ अभी तो शुरू, अभी तो शुरुआत, अभी तो आई हुआ, हम तो रुके हुए कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप तो बता ही नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही। और आप कह रही हैं कि आपको शायद एंकर भी बनना है, तो ये तो बनता है कि आप बात करें हमसे। हाँ, करेक्ट है, तो और कुछ कहना है आपको? नहीं, अब मैं पहले गाऊंगी फिर बोलूंगी। गुड आइडिया। बी फ्लैट मेजर जी, मेजर। रेनु आन मिलो
सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना अखियों में ना आए निंदिया अखियों में ना आए निंदिया मुँह ना भाए काजल बिंदिया सुना पड़ा अंगना सुना पड़ा अंगना रे अंगना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना। जितना आपने अपने बारे में बताया ना कम ही बताया, क्या नहीं? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जितना आपने अपने बारे में बताया उतना लंबा अगर आप गा देती ना तो दिल और भी खुश होता। गाओ गाओ नया पुराने में लाइट नया। अच्छा आप गाने बनाती भी हैं आपने बोला था। जी हाँ, एक मेरी बहुत छोटी सी या बड़ी कह लो, बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश है, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ, पिछले राउंड में विशाल शेखर सर थे, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, एक मैंने बहुत कोशिश करी एक गाना एक सॉन्ग बनाने की, और वो मैं चाहती हूँ कि आप उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइज करें और मैं आके स्टूडियो में आके उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करूं। पहले सुन तो लें। हाँ, गाना सुने? जी, एफ शार्प मेजर। नहीं पर मुझे बहुत तकलीफ हो गई है। नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब मैं निकल जा रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं ये नहीं होगा, नहीं चलेगा ही नहीं, मैं सही नहीं सकूं। गलत है। अरे डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। ओके लिसन, आप थोड़ा बहुत मैं भी बात कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, थोड़ा बहुत मैं भी बात कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी बहुत बात करिए। नहीं नहीं, आप सर इस शो में इनके अलावा किसी के बात करने की जगह नहीं है। सही है, आप बताइए। एफ शार्प में सर। पल कोई हो तुम रहना साथ, पल कोई हो तुम रहना साथ, बातें हो या रातें तुम रहना पास, बातें हो या रातें तुम रहना पास, वो बातें थी गजब सी, वो बातें थी गजब सी, वो रातें थी अजब सी, हम दोनों के बीच। कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, बहुत बहुत गहरी है। साक्षी होल्डकर, आप स्कैम हो, आप बहुत बड़ी स्कैम हो। ये क्या है, आपने बनाई है? सच्ची? जी। प्रॉमिस? या प्रॉमिस। आ गया। करेक्ट आगे। वेरी गुड। इसके बाद वो बातें, अच्छा उसके आगे का जो भाग आता है जहाँ पे चेंज होता है वो बातें, ये नोट कर रही हो? अच्छा उसके बाद क्या आता है? वो बातें थी गजब सी, वो रातें वो थी गजब सी। गाओगे तो अच्छा लगेगा, जो सलीम बोल रहे हैं ना, वो बातें थी गजब सी, वो बातें थी गजब सी, वो रातें थी गजब सी। आहा, फिर आगे हम दोनों के बीच। वाओ, रियली नाइस। Let's do this together. फिर से गाते हैं, पूरा गाते हैं फिर से। Yeah, और एक बार। हाँ। गाइए यहाँ से। 1, 2, 3, 4. पल कोई हो तुम रहना पास, बातें हो या रातें तुम रहना पास, पल को
बातें हो या रातें तुम रहना पास, वो रातें ती गजब सी, वो बातें ती गजब सी, हम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच। वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी जी, आप जब अंदर आई आपने 150 किलोमीटर लंबी अपनी इंट्रोडक्शन दी, फिर आपने गाना भी अच्छा गाया और गाना लिखा भी अच्छा है, और आपने फिर गाना कंपोज भी किया, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी स्कैम हो, क्योंकि हमको तो लगा आप फ्रॉड हो, और आप एक्चुअली बहुत अच्छी म्यूजिशियन हो। थैंक यू। आपके कॉम्पोजिशन के हिसाब से आपको कार्ड मिलना चाहिए, लेकिन और आपको एक्चुअली बनना है प्रधानमंत्री। नहीं, आपने कहा मुझे तो एक्चुअली सर, मैंने जब प्रधानमंत्री कहा आपने, मुझे कुछ नहीं बनना, या एंकर, एंकर क्या बनना, क्या आपको सिंगर, प्लेबैक सिंगर, भाई कुछ नहीं किया जा सकता इनका, सिर्फ टिकट देके इन बस दुआ मांगते ऊपर वाले से, दुआ मांगते कि अगली बार इंट्रोडक्शन थोड़ी छोटी हो, दुआ मांगते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।